हाय गाइस, वेलकम टू सीजलिंग टी। तो मैंने आज सोचा था कि मैं एक पॉडकास्ट बनाऊंगी, क्योंकि पिछले पॉडकास्ट से रिलेटेड कई सारी बातें रह गई थी, वो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो गया था। बट आज इसने नया व्लॉग डाल दिया भाई, पैसे जो बनाने हैं। तो अब मैं इसका रिव्यू करती हूँ, लेकिन मुझे फिर भी बहुत सारी बातें कवर करनी है, तो आप बने रहिएगा। ये व्लॉग था ना जो बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग था। इतना ज़्यादा चिढ़ हुई है मुझे ये देख के जो इसने व्लॉग में दिखाया है। तो शुरुआत करते हैं, बीच बीच में कवर करती रहूंगी जो मैं बोलना चाह रही थी। तो अपना शुरुआत करते हैं, ये सीधा निकल के आते हैं सर पे अपना दुपट्टा संभालते हुए कि फ्रेंड्स, हाँ हमने अपना व्लॉग शुरू कर दिया है, जो भी करेंगे आपको दिखाएंगे, मतलब शॉपिंग का बेटी खाला के घर जाने की चीजें सारी दिखाएंगे। बेड पे बैठी होती है सुबह सुबह महारानी, बोलती है फ्रेंड्स मेरी तबीयत खराब हो गई है। फिर खुद ही बोलती है अरे नहीं, आप लोग बोलोगे कि मेरी ससुराल आते ही तबीयत खराब होती है, क्योंकि मुझे तो बैठे बैठे ही सब कुछ, अंडा चाय पानी सब बैठे बैठे बिस्तर पे ही मिलता है, तभी भी खराब हो जाती है। फ्रेंड्स तुम्हें एक बहाना बता देती हूँ कि क्यों हुई थी। फ्रेंड्स क्योंकि हमने ना ट्रेन में वॉशरूम यूज नहीं किया था, क्योंकि वहाँ का वॉशरूम ना, हम एसी फर्स्ट क्लास से गए थे, वहाँ का वॉशरूम हमारे घर के वॉशरूम से बहुत अच्छा था, तो हमें घबराहट हो जाती है, इतना साफ सफाई देखने की आदत नहीं है, तो हम गए नहीं, फिर हमारी तबीयत खराब हो गई। वो तबीयत तबीयत खराब है, उसके बाद भी ये अपनी बेटी खाला के घर पहुंच गई, जो कि अकीका हो रहा है। पहले मुझे लगा अकीका हो रहा भाई इतने, अच्छा पहले मैं ये बता देती हूँ अकीका होता क्या है, मैंने भी गूगल किया, मुझे नहीं पता था। तो अकीका जैसे हमारे यहाँ नेमिंग सेरेमनी होती है, जब बच्चा पैदा होता है विद इन लाइक फर्स्ट फ्यू डेज या फ्यू 1 मंथ 2 मंथ में जैसे कुछ सेरेमनी करते हैं, तो यहाँ इनके अकीका करते हैं। अकीका माँ का मतलब होता है कि यहाँ पे लड़का होता है तो दो गोट सेक्रीफाइस करते हैं, मतलब बेसिकली दो बकरे कटेंगे, और एक लड़की होगी तो एक बकरी कटेगी, बकरा कटेगा और उसको खाएंगे और बांटेंगे, ये होता है अकीका, और नाम रखते हैं। लेकिन मुस्लिम्स में, इस्लाम में ये एक बड़ी सेरेमनी मानी जाती है, और सब अपने हिसाब से अच्छे ढंग से करते हैं मतलब। और इन्होंने ये कहा कि भैया हमारे पास पैसे नहीं थे, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी जब तुम लोग छोटे थे, अब पिताजी के पास बहुत पैसा आ गया है और हमारे पास भी सबा की बदौलत बहुत पैसा आ गया है, मतलब ठीक ठाक गुजारे लायक पैसा आ गया है, हमने घर वर बना लिया, तो हमें अब एहसास होने लगा है कि हम अकीका कर देते हैं भाई तुम्हारे, भले तुम 20 साल के होने वाले हो लेकिन कर देते हैं। तो मुझे लगा भैया टेंट वेंट लगा के ढोल वोल बजेंगे, मौलवी वगैरह आएंगे, रिश्तेदार आएंगे 50-100, और ये सभा अपना कंटेंट बनाने जा रही है, बट ठीक है चलो भाई कर रहे हैं। तो वहां जाके तो भैया अकीका तो क्या अकीका, आप देखते रहिए बने रहिए, आपको पता चल जाएगा क्या अकीका किया इन्होंने। जैसे उनके घर घुसते एक आदमी जमीन पे सोया होता है, जो बड़ा वियर्ड लगता है भाई, बेड पीछे जमीन पे क्यों सो रहा है, जमीन वो उठता है एकदम बौखला के। बाद में पता चलता है वो कौन था, वो था रुकैया का हस्बैंड, क्योंकि रुकैया की बेटी उसकी गोद में थी और रुकैया का हस्बैंड था। देखा जाए तो रुकैया का हस्बैंड इनका जमाई हुआ, जस्ट लाइक सनी। लेकिन भैया जैसा है पैसे को सलाम है सारी दुनिया में, तो ये लोग अलग थोड़ी ना है, अगर पैसा नहीं है तो जमीन पे सो जाओ। अब यार रिजा अपना नहा धो के घूम रही है, और बेटी खाला देखो, बेटी खाला के कपड़े देख लो आप, बेटी खाला सुबह से लगी हुई है भाग दौड़ कर रही है। अब उसके घर, उनके घर में अगर कोई फंक्शन है, पहले तो मुझे लगा भाई होएगा, अभी तो शुरुआत होगी, सुबह से आ गई है इनके सर पे बैठने, और लेकिन ये रात तक इन्हीं कपड़ों में थी, जो इनका अकीका सेरेमनी खत्म हो गई। और ये सभा क्या करती है, पहले तो पूरा घर का टूर दे रही है, ये दे रही है, और रिजा को, अच्छा ये भी बहुत ही अनोइंग पॉइंट था, बहुत ही अनोइंग, रिजा को कह रही है तुमने अंडे नहीं खाए, रिजा कहती है आज मम्मी ने बोला, और मम्मी बोल रही है रिजा पहली बार मम्मी, क्योंकि इसे इंस्ट्रक्शंस मिले होंगे भैया बहुत जूते पड़ रहे हैं, मम्मी बोल दो, तो अब मम्मी ने बोला है अंडे खा लो क्योंकि, और रिजा को सभा सलाह दे रही है खाने के ऊपर, जबकि खुद का खाना इतना खराब है। नहीं रिजा तुम प्रोटीन नहीं लोगी तो फिर तुम्हें पीसीओडी गड़बड़ करता है तुम्हारा, एंड आई वाज शॉक टू हियर दिस, ये होती कौन है बताने वाले कि इसको पीसीओडी है, अपना तो पीसीओडी पीसीओएस को रोना रोती रहती है कि मेरे को ये है, अपनी बीमारियां बता जितनी सारी है, दूसरे एक छोटे बच्चे की बीमारी के बारे में बात करना अलाउड ही नहीं है, ये एक्चुअली दिस इज नॉट अलाउड, यहाँ पे यूएस वगैरह में तो प्राइवेसी कंसर्न है, तुम किसी के बारे में ऐसी बात नहीं कर सकते, बट यहाँ पे तो इसने ठेका ले रखा है इनकी जिंदगी का, कि ये तो मेरे पे, मेरे जैसे होता है ना खरीदे हुए गुलाम है, मैं इनको कुछ भी किसी भी तरीके से ट्रीट कर सकती हूँ। पहले इसने इसका ये रिवील किया था कि इसको डायबिटीज है, अब इसने ये रिवील किया इसको पीसीओडी है। ये एक यंग लड़की है, कॉलेज में जाती है, इसकी पूरी लाइफ सामने है, इसके बारे में इतनी बकवास करने का इसको किसने हक दिया, और लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है, और रिजा को उसको वो कह रही है कि तुम एग खाया करो, तुम्हें कहाँ से प्रोटीन मिलेगा, तू अपना खाना तो देख ले क्या खा रही है रात को। ओ भगवान, मतलब आई वॉज सो पिस्ड ऑफ आफ्टर लिसनिंग टू दिस वर्ड, कि इसने
उसका रिवील कैसे किया कि इसको पीसीओडी है या नहीं है, ये बताने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन इसको लगता है ना सब लोग मुझे बोलते हैं तो मैं इसका भी बताऊंगी। फ्रेंड्स, अब यहाँ पे बेटे खाला के यहाँ नीचे किचन बनी होगी जिसमें उनको काम है, तो वो सामान वामान निकाल रहे हैं, ये लगी हुई है उनके घर सारे घर में घूमने में। बेटी खाला को ऊपर स्लैब पे चढ़ के कुछ बर्तन निकालना को बेचारी वो चढ़ रही है, जबकि उनके घुटनों में दर्द है, उनकी एज भी है, लेकिन इसको कोई मतलब नहीं है, इसको अपना व्लॉग बनाना है। और हाथ नहीं हिलाती है ये औरत ना बिल्कुल भी किसी भी काम में, बल्कि दूसरों के घर जाके बोझ बन जाती है। तो कई सारे पॉइंट्स मेरे दिमाग में थे। पहली बात तो अकीका इनके घर में, बेटी खाला के घर में व्लॉग ये बना रही है, पैसे उस चीज से ये कमा रही है। अब इसने वहां जाके कोई काम तो करा नहीं है, कोई हेल्प करना तो बहुत दूर की बात है। ये और इसकी माँ दोनों के दोनों बैठे हुए महारानी के जैसे, ये अपना व्लॉग शूट कर करके उनके सर पे चढ़ी रहती है, माताजी तो बैठे बेड से हिलती नहीं, उनको तो बस खाना पीना वही चाहिए। तो ये ऐसे काम करते हैं। और रिजा और रेहान दोनों ऐसे फैले हुए हैं जैसे भैया मेरे को मेहमान आए हो, और सन्नी और सबा दोनों को दोनों ना उन पे चढ़े हुए हैं। ये तुम्हारा घर है, दिखाओ अपना घर, दिखा अपने घर की छत, ये तुम्हारा घर बहुत अच्छा है। बार बार ये दिखाना चाह रहे हैं कि ये तुम्हारा घर है, ताकि पब्लिक शांत बैठे, क्योंकि पब्लिक कहती है कि तुमने रिजा रेहान को दोनों को मुंबई में ला के बिगाड़ दिया है, अपने माँ बाप को कुछ समझते नहीं है, मोहता भेजो ही नहीं, गर्मियों की छुट्टियों में भेजते क्यों नहीं हो। और दूसरी बात, इसकी दादी का इंतकाल हुआ था 40 दिन पहले रिजा रेहान की, तब सभा को अपने उसकी इनॉग्रेशन करनी थी अपने रेस्टोरेंट की, तो इसने एक बार भी नहीं बोला कि भाई दादी जी इनकी गुजर गई है या इनको वहां जाना चाहिए, कुछ नहीं। अब 40वां हुआ है तो भाग के आ गए हैं व्लॉग बनाने, सज धज के 40वें वहां पे बिरयानियां ठूस रहे थे, लिपस्टिक लगा लगा गए थे, और अगले दिन अकीका बना रहे हैं। अकीका चलो ठीक है सेरेमनी, और यहाँ पे ये देखो बैठ के खाना खा रहे, जैसे मैंने बताया कि उनके घर में पहुंच गए सुबह सुबह और वहां बैठ के, अभी तो तबीयत खराब हो रही थी फ्रेंड्स, कोई बात नहीं, खाना देखते ही मेरी तबीयत ठीक हो जाती है, और मेरी अम्मा की भी तबीयत ठीक हो जाती है, तो उन्होंने रोटी का डब्बा वहीं रख लिया कि भैया आने दो जितनी भी बनी है, और वहीं पे बैठ के उनके बेड पे, बेड गंदा हो जो मर्जी हो, अपने को क्या, अपना अपना ब्लॉग शूट करेंगे, खाएंगे पिएंगे पसर जाएंगे, और कमांड करेंगे रिजा पानी दे दे, रिजा मेरा ये बर्तन रख के, मेरी चप्पल पहना दे, मेरी एसी दे दे, मेरा फोन दे दे, अब एडिट कर दे। और अकीका के नाम पे मुझे लग रहा था, अभी भी मुझे लग रहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है। वहां पे खुद ही कहती है, इसको पता था, इसको सब पता था कि कुछ भी बड़ा होने वाला है, इन्हीं के घर के चार लोग बैठ के ये बिरयानी खाएंगे, या फिर एक इनका मीट का नॉन वेज कोई बनता है वो खाएंगे, इसके अलावा इनके घर में जिंदगी में मैंने कुछ बनते हुए देखा नहीं है और ना कुछ होते हुए। तो यहाँ पे सनी इसको इसके घर आता है, और देखिए वही इंसान है जो जमीन पे लेटा हुआ था, ये रुकैया की बेटी है, और सनी तो भैया हीरो बना हुआ है, सनी तो पैसे वाला हो गया, खुद का बिजनेस भी चल रहा है, तो बेचारा इंसान आ रहा है उससे मिलने। अच्छा, रुकैया का भाई है आमिर जहांगीर, आमिर जहांगीर तुम सुन रहे हो तो हेलो। और आमिर जहांगीर ने अभी मेरे ब्लॉग पे रिसेंट उस पर लिखा है कि ये लोग मजारों और मंदिरों का भी पैसा खाते हैं। अब इसका मीनिंग मुझे समझ नहीं आया, लेकिन इसका मीनिंग मुझे जो समझ आता है उसका मतलब ये होता है कि किसी की डेथ पे भी अगर तुम पैसा खा रहे हो तो इससे ज़्यादा शर्म की बात क्या होगी। अगर ये 40वें दिन पे जाती और थोड़ा सा दिखा देती कि चल ठीक है वहां गए थे, लेकिन वहां बैठ के पूरा ब्लॉग शूट करना, आधा ब्लॉग शूट करना, टाइटल भी डालना 40वें दिन जा रहे हैं, तो ये होता है क्लिकबेट, कि पब्लिक को बेवकूफ बना के उसके उन किसी की डेथ पे तुम कर रहे हो। और ये इसने उस पर भी किया था, सनी के बहन के ससुर की डेथ हुई थी तो हमारे यहाँ किसी का इंतकाल हो गया है और हम मौदा जा रहे हैं, वहाँ पे एयरपोर्ट लुक बना रही थी और पता नहीं क्या क्या कर रही थी, इसको किसी के इंतकाल से कोई फर्क पड़ा नहीं था, लेकिन इसने टाइटल मारा था इंतकाल हो गया है हमारी फैमिली में। तो इतना जो कर रहे हैं ना, तो अल्लाह तो भैया देख ही रहा है तुम्हें। सुबह उठ के फ्रेंड्स अब हम ना जा रहे हैं तैयार होके हम काम से, अब इसने पहन लिया सिल्क का मैसूर वाला सूट, और सनी ने भी अपनी पहन ली लाल नीली टी शर्ट, और अब इसे याद आ गया कुछ और भी शूट कर लेते हैं। अब सास से बात नहीं करती है, सास को इसने मतलब सास ना इसे मुंह लगाती है कुछ भी, ऊपर बैठे इसने दो तीन नौकरानियां जो इनके घर की होती है ना उनको पकड़ लिया कि अब तुम इनको राखी बांधो, भैया कॉन्टेंट बन जाएगा ना दो चार मिनट की, जरा सनी को भी बांधो मुझे भी बांधो, मैं 500 रुपये दे दूंगी और फिर तुम्हारा पगार में से कट जाएंगे वो, मतलब जो भी है पैसा तो खैर बरस रहा है, 500 रुपये देना कोई बड़ी बात नहीं है, जो 40-50 लाख महीना कमाए तो अगर 10 मिनट का 5 मिनट का ब्लॉग में आ जाएंगे तो उसका तो बल्कि इस औरत का हक बनता है, राखी के नाम का नहीं हक बनता है, ब्लॉग में आई है जैसे मैंने आपको कल बताया था, जो जो कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे ब्लॉग में उनका हक बनता है पूरा। अब यहाँ पे जा रहे हैं ये कहाँ पे, सामान लेने, भाई अम्मी को याद आया कि अकीका में आए हैं तो फिर उनको बेटी खाला को कपड़े देने होंगे,
तो ये सारे दिन तुम जब मोहदा से निकल रहे थे, मुंबई से निकल रहे थे मोहदा, तब तुम्हें पता नहीं था तुम अकीका में जा रहे हो। अकीका में जा रहे हो तो अकीका आज तक तुम्हारी माँ ने पहले कभी किया नहीं था, तुम्हें पता नहीं था क्या करना होता है ना। चल पड़े थे लिपस्टिक लगा के, माता जी एकदम तैयार व्यार होके अपना, और माता जी को कोई होश नहीं है कि पिताजी वहाँ मुंबई में अकेले हैं, उनके खाने पीने का अब कैसे होगा। वैसे तो रोज दिखाएंगे हम, मम्मी खाना बना रही है। और यहाँ पे रिजा को बोला जाता है कि भैया मेरे लिए चप्पल ले आ। अब रिजा चप्पल हाथ में उठा के लाई है महारानी जी के लिए कि चप्पल पहन लो। तो ऐसे नौकर बना के रखा हुआ है रिजा को, और लोग लिख रहे हैं, लेकिन अभी से वो कहते हैं ना मोटी चमड़ी हो गई है, बेशर्मी इतनी आ गई है, उसे फर्क ही नहीं पड़ रहा कि लिख रहे हैं तो लिख रहे, तो पब्लिक तो बेवकूफ है, हमारा क्या बिगड़ेगा। हमें तो कितना भी हम कुछ भी कर ले, नेगेटिव 100% नेगेटिव कॉमेंट्स आ जाते हैं, तभी भी कॉमेंट्स तो आते हैं हमारे फ्रेंड्स, और हमें फर्क नहीं पड़ता। हम कुछ भी शिटी से शिटी ब्लॉग डाले ना, 1.5 मिलियन पहुंच जाते हैं हमारे, और 1.5 मिलियन में तो आपको पता ही है कितना पैसा बनता है, 1.5 लाख 2 लाख के करीब बन जाता है हर ब्लॉग का। तो देखा जाए तो ऑल्टरनेट ब्लॉग डालती है, तो आज इसको ब्लॉग डालने की जरूरत ही नहीं थी, ये रिकॉर्ड करके रख लेती जो भी इन्होंने किया। करा कुछ भी नहीं है इनका, पूरा अकीका में कुछ नहीं हुआ, बिरयानी बैठ के, बिरयानी नहीं, इन्होंने एक नॉन वेज सब्जी खाई है पूरे एल्यूमिनियम के पतीले में भर के जो बनाई थी, बस यही हुआ है इनके अकीका में। और इसने सनी के सास ससुर को, सनी के मायके वालों को बुला लिया, जी हाँ सनी के मायके वालों को बस, और कोई नहीं। तो ये लोग चल पड़े हैं शॉपिंग करने, शॉपिंग करने अपनी माँ को बिठा लेती है और रिजा को बिठा लेती है। रिजा तो इसकी हेल्पर है भैया, चप्पल जूते इसका पर्स वर्स उठाई, क्योंकि इसको तो फिर आदत नहीं है ना। फ्रेंड्स आजकल जब से शादी हुई है सनी उठाते हैं मेरा, उससे पहले रिजा उठाती थी, इसलिए मुझे बिल्कुल आदत नहीं है। और मैंने पीछे अपने दो नौकर बिठा लिए जो नए नए हुए, एक कृष्णा, और कृष्णा इनके साथ लदा हुआ है, यानी कि कृष्णा गणपति है, चल रहा है छुट्टी लेके अपने कन्नौज जाए, अपने माँ बाप के साथ टाइम बिताए, यहाँ इनके साथ पीछे वाली सीट में बैठ गया था और दूसरा आदमी पता नहीं कौन है, और ये अपनी माँ को और रिजा को लेके चल पड़ी है घूमने। सनी तो ड्राइवर है ही, सनी भी इसके पीछे पीछे घूमता रहता है 24 घंटे। यहाँ पे आते थे, यहाँ पे पापा मंगोड़े खाते थे, और फिर ना सनी फिर कभी कभी रो जाते थे, कभी ऐसे आते, तो कुछ भी कमेंट्री चल रही है इसकी। वहाँ दुकान वकान दिख गई थी कोई ने मंगोड़े की और इसकी, और सनी मूंगफली ले रहा है, ये सब दिखाना है इन्हें। अपनी सासू माँ के साथ क्यों नहीं घूमती है, सासू माँ को भी तो अकीका में आई थी सासू माँ, सासू माँ दे देती इन बेटी खाला को एक सूट, सासू माँ के तरफ से दिलवाती, सासू माँ को घुमाने फिराने ले जाती, नहीं कभी नहीं लेके जाएगी सासू माँ को घुमाने फिराने, 24 घंटे यहाँ पड़ी रहेगी। अभी 3 दिन के लिए आए हैं और तीनों दिन ये यही रहे सुबह से शाम, और उसको रात को सोने में भी वहाँ तबीयत खराब हो जाती है कि भैया मेरी सास के सामने शक्ल ना दिख जाए। अब यहाँ फिर से बेटी खाला के घर आ गई है अपना शॉपिंग शॉपिंग करके, इतनी गर्मी में सिल्क का सूट पहना हुआ है इसने फुल बाजू का, यहाँ मेहर बैठी है और लिटरली डरी हुई सी, वीक, काफी कमजोर सी और डिस्टर्ब सी दिख रही है। इसको दो सीन दिखाए थे इन्होंने, सिर्फ दो सीन, और यहाँ पे उसको बोलती है आके, पानीपुरी खा गई मेरी, पानीपुरी किसने खा ली, तुमने खा ली, और रिजा किसने खा ली मेरी पानीपुरी। इसको खाने का इतना हुआ है, खत्म ही नहीं होता, इसकी तबीयत खराब हो रही है कुछ नहीं। फिर कहती है हम इतने दिनों से हमने कुछ नहीं खाया, मोमोज और पानीपुरी और ये सब तो हम खाएंगे एक दिन जरूर फ्रेंड्स। भैया तो रोज खा, दिन में से 3 बार खा, 4 बार खा, किसने रोका है, खा अपनी सेहत बिगाड़, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब से मेहर का इसने पॉडकास्ट बनाया है, इसकी माँ की जो इसने बातें बताई है कि भैया ऐसी सेकंड माँ है, ये है वो है, भाग गई थी, जो भी उसने कहानियां सुनाई थी, उसके बाद से मेहर की माँ के ने इसके साथ ठीक ट्रीटमेंट नहीं किया ऐसा सुनने में आ रहा है, और ये मेहर डिस्टर्ब हो चुकी है वो दिख रहा है, लेकिन इसको कोई फर्क नहीं पड़ता ना, इसको अल्लाह देखता है, अल्लाह तो बस उनको देखता है जो नेगेटिव कमेंट करते हैं। और इसके भाई भी तले जाओगे तुम भाई, तुम ना जैसे कहते हैं ना भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, तो कर्मों का फल इन्हें भी मिलेगा, जैसे कहते हैं ना कर्मों का फल मिलता ही है सबको। अब यहाँ पे घूम रही है, टूर दे रही है, ऐसा है वैसा है, देखो येलो लाइट लगा दी है, हम यहाँ पे नाचते थे फ्रेंड्स, ये वो वाली छत है जहाँ पे मैं नाच नाच के वीडियो बनाती थी शादी से पहले, और मैंने वो शॉर्ट्स डाले हुए हैं आप देख लेना, या नाच नाच के वीडियो बनाती थी जब ये छत थी ऊपर, वो सब कर करा के अपना शूट करे जा रही है। और ये बेटी खाला भी आ गई, बेटी खाला हमने सफेद लाइट लगवा दी, येलो लाइट ऐसी सफेद में चमक के आती है ना, तुम गोरी दिखती हो, हम भी गोरे दिखते हैं। बेटी खाला भैया तुम्हारे घर में फंक्शन है, तुम क्यों इसको एंटरटेन कर रहे हो तुम। अब देखो बेटी खाला भी ना थोड़ी दुबली हो गई है, क्योंकि ऊपर नीचे काम करना पड़ता है, खाना भी मतलब खुद ही बनाएंगी, नॉर्मल हेल्दी खाएंगी, पहले तो इनके साथ भर भर के बिरयानियां बनती थी और पता नहीं क्या क्या इनके घर जंक आता था सारे दिन, जो ये दिखाते भी नहीं थे, तो इनकी भी तबीयत खराब होती थी। अभी हमें छत पे आ गए जी, छत का टूर दे रहे हैं, सभी पीछे पीछे चल रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है व्यू, बहुत अच्छा दिख रहा है भैया, क्या व्यू दिख रहा है तुम्हें, और जो भी है
हाँ बहुत अच्छा है, यहाँ पे तुम नाच भी सकते हैं। जब हमारे यूट्यूब के फ्रेंड्स जब हमारे यूट्यूब के व्यूज खत्म होंगे तो फिर से हम दुपट्टा फेंक के यहाँ पे हम रील बनाएंगे अपनी नाच गाने की। हम बहुत मिस करते हैं ऐसे रील्स, नहीं हम कब बनाएंगे, हम कब दुपट्टा फेंके। अब यहाँ पे बैठ गए हैं कि सनी ना अपने माँ बाप को लेने गया हुआ है और हम यहाँ बैठ गए हैं तैयार हो गए। और रिजा ये देखो महर बेचारी वो बीमार लग रही है, उसका नाक बह रहा है या पता नहीं जो भी है, इसको सूट सलवार दुपट्टा सब पहना दिया इन्होंने। नानी भी बैठी हुई है। मैं सोची थी भाई अकीका है अभी, तो ये रिजा रेहान की दादी के ददिहाल जैसे कहते हैं ना, वहां मिलने गए थे। बुआ है ये, फलाना है, ढिकाना है, कहाँ गई वो सारी बुआएं। अब ससुर जी आए ना तो उसका मुंह बन गया था, मतलब इसका फिर नकली स्माइल आती है 1 सेकंड में इसके चेहरे पे, तो मुंह बन गया था कि आ गए। चलो मुझे लगा कुछ तो हो रहा है, कोई तो लोग आ रहे हैं। कुछ नहीं, सिर्फ यही थे। नाजा नाजा खाला को क्यों नहीं बुलाया? नहीं भाई ना भैया, अकीका तुम कहते हैं छोटा सा अकीका कर रहे थे, कि इस पे किसी ने कमेंट लिखा था कि भाई अकीका एक बड़ी सेरेमनी होती है, इसको छोटा सा नहीं बोलते। जब ये बर्थडे ब्रिंग इन करते हैं ना, बर्थडे ब्रिंग इन, सिर्फ ब्रिंग इन, उसमें सारे नए सूट पहन पहन के, लिपस्टिक लगा के, मेहंदिया लगा के, और अपना काजल वाजल लगा के, बिंदी बिंदी सब लगा लगा के ऐसे पहुंच जाते हैं सारी माताएं। और लेकिन ये अकीका जिसे कर रहे हैं उसमें सारे बनियान में ऐसे बैठे हैं, मैं किसी ने सुबह से कपड़े चेंज नहीं किए। खालू भी उसी रेड टी शर्ट में जिसमें सारे में घूम रहे थे, वो बेटी खाला जिस जो माँ है जो अपने बच्चों का अकीका करने जा रही है, भैया कि सुबह से हमने जन्म से इनका कुछ नहीं किया आज कर रहे, तो भैया कपड़े तो बदल लो, वही पर्पल दुपट्टा जिसमें गमछे में आप सुबह से लगी पड़ी है पसीने में। और ये सासू माँ आई है, सासू माँ आई थी तो सबा ने ऐसे अंगूठे दिखाए थे, हाँ बस हाँ प्यार व्यार दिख गया, हो गया। तो यही लोग थे बस, और कोई नहीं है ना, इसके मामा वगैरह कई सारे हैं सभा के, कोई नहीं आया जिससे इनकी बनती है, जो इनके आगे पीछे घूमते हैं वो। अब यहाँ बिठा दिया उनको जमीन पे, और देखो सभा सबसे पहले बैठ जाती है। सभा को है भैया खाना जा बट रहा है ना, सबसे पहले बैठ जाओ, ठूसने काम ना करना पड़े। बेटी खाला की किचन है ऊपर, उनके घुटनों में दर्द है, वो ऊपर नीचे जाके खाना नीचे रख रही है, कर रही है, वो सब कर रही है वो बेटी खाला करेगी, सभा हिलेगी नहीं, कॉर्नर में बैठी हुई है, आपको दिख रहा होगा उसका लाल सूट। और दूसरी बात, फिर उसको रिजा को बुला, रिजा कर रही थी ये सिर्फ बैठी हुई थी, और सनी पीछे पीछे बोल रहा है रिजा तेरा घर है, जाके लेके आ पानी, लेके आ ये, लेके आ वो, लेके आ। भाई सनी होता कौन है इसको बोलने वाला? एक तो सबा ने इसे गुलाम बना ही रखा है, सनी भी बदतमीजी कर रहा है, और इसके माँ बाप को दिख नहीं रहा है। अब मुझे ये समझ नहीं आता, व्लॉग तो देखते हैं ये लोग, और ऊपर से जो कॉमेंट्स आते हैं ना रिजा के लिए, इतने गंदे कॉमेंट्स आते हैं कि बिल्कुल नौकरानी है, ये है वो है, इनके चप्पल जूते उठाती है, और ये कॉमेंट्स इसके स्कूल वाले भी पढ़ते होंगे जहाँ पे कोचिंग वोचिंग जाती है, तो क्या इम्पैक्ट पड़ता होगा? ये बच्चे तो 100% पढ़ते होंगे, किसी को बोल दो कि तुम्हारे ऊपर कमेंट आया है तो आज का कौन इंसान होगा वो ना पढ़े, ऐसा हो सकता है? आप लोग सोच लो, आप लोग अपने फेसबुक या इंस्टा पे कोई फोटो डालो, कोई गंदा सा कमेंट आ जाए डिस्टर्बिंग सा, तो आप लोगों का कितना मन खराब होगा, तो बच्चों की मेंटल हेल्थ कितनी खराब होगी आप सोचो। और यहाँ पे सनी परोस रहा है, सभा ने हाथ नहीं लाया, सनी परोस परोस के दे रहा है, और ये चल रही थी इनकी अकीका सेरेमनी जिसमें ये चार लोग आए हैं बाहर से, बस सनी के मायके वाले, दो माँ बाप और ये रुखसाना बाजी जो उनके घर की मेंबर जैसी हैं, और बस, और सभा की माँ। ये इनकी अकीका सेरेमनी है, जो आसपास के दो तो मामू बुला लिए, मामू की वाइफ भी नहीं आई, मामू के बच्चे बच्चे नहीं आए, रुकैया गायब है, रुकैया के हस्बैंड आया हुआ है शायद वो है, बाकी लोग हैं ही नहीं। आमिर जहांगीर इनका वहीं का लोकल इनका कजन है, इनके मामा का बेटा, वो नहीं है ये इनका। और इनका खाना देख लो, अकीका जो इतने बड़ी बात की थी इन्होंने, तेल से भरपूर है, इन्होंने नॉन वेज आइटम बना रखा है, रोटियां इनकी बाहर से आई, इन्होंने खुद ही बोला रोटियां रोटियां तो बाहर से आएंगी, तो मतलब ये एक खाना बनाने में ही सुबह से लाल पीले हुए पड़े थे ये लोग। और उसमें बोल रही थी तो फ्रेंड्स वो कुक आया है, वो गैस नहीं चल रही फ्रेंड्स, वो फलाना हो गया, ढिकाना हो गया फ्रेंड्स, ऐसा हो गया। यहाँ पे सासू माँ उनको पैसे दे रही है, और सबा ने अपनी पूरी बत्ती सी वो जबड़ा दिखा रही है, और पीछे कृष्णा बैठा है। कृष्णा का क्या रोल है यहाँ पे, कृष्णा को क्यों लाया गया है मुझे कोई बता दे? कि उसका एडिटर है तो भैया तुम्हारा खरीदा हुआ बिल्कुल जैसे कहते हैं ना गुलाम है क्या, वो सारे टाइम इनके पीछे पीछे चला चलता रहेगा। तो ये इनकी अकीका सेरेमनी थी, और मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं, आज मैंने लिखे थे क्योंकि मुझे कल के ब्लॉग से मेरे दिमाग में थे जो मुझे बोलने थे। अच्छा ये भी कवर कर देती हूँ क्योंकि ब्लॉग खत्म होने वाला है इनका। सासू माँ सॉरी सभा की माँ ने सूट दिया है, और वो देखो ना रिजा की माँ बैठी हुई है, पिताजी बैठे हुए हैं ऐसे, मतलब उन्हीं गंदे से गमछे में कपड़ा डाल के सर पे बैठी हुई है, और मुझे लगा भैया अच्छा सा कोई सूट दिया है, इतना बेकार सूट दिया है, ये खोल के देखेंगे अभी। और खालू को भी 500 1500 रुपये पकड़ा दिए कि भैया तुम अपनी पसंद से कुछ भी ले लेना, और बच्चों को दे दिया मिठाई विठाई। ये इसकी माता जी का कॉन्ट्रीब्यूशन है, और सभा
कि जो बेटी खाला है वो कहती है नहीं नहीं आप भी तो माँ हैं, आपने भी तो पाला, आपको भी तो हमें कुछ देना चाहिए ये सब। वो चलो ठीक है, स्पीच रटा दी होगी इन्हें कि ऐसे ऐसे बोल देना, या बेटी खाला के खुद का दिमाग होगा कि चल बच्चे पले हैं 10 साल तो हम पे एहसान है, विच इज नॉर्मल। ठीक है, अब सबा ने इन दोनों बच्चों को पैसे दे दिए। उसके बाद कहती है, जो मुझे काफी खराब लगा, बेटी खाला और खालू हम आपको पैसे दे देंगे, जो भी आपको चाहिए होगा हम आपको दिला देंगे। भैया तुम कौन होते हो दिलाने वाले? और ये सब बातें बड़ों को बोलते हैं कि हम तुम्हें दिला देंगे, हम तुम्हें पैसे दे देंगे, जस्ट बिकॉज वो फाइनेंशियली थोड़े से वीक चल रहे हैं। इसका मतलब है कि तुम उन्हें ब्लॉग में इस तरह से बेइज्जती करोगे? और सबा के आप हेल्थ देख लो, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कैसी हेल्थ है, जो ये अपने इंस्टा पे डालती है ना वो क्या होता है। और आप यहाँ पे देखिए कि रिजा की मम्मी ने बोला कि मैं देख लूँ क्या है, और जब वो सूट देख रही है तो उनका चेहरा कैसे उतर गया आप देख सकते हो। फिर भी बोल रही है अच्छा है, बहुत अच्छा है, कलर अच्छा है, हमें पसंद है। ये बिल्कुल सिंपल सा सस्ता सा सूट है, और इनके इतने सूट आते हैं, इतने कपड़े आते हैं इनके, कोई भी अच्छा सा सूट नहीं ला सकते थे, नहीं दिया। यहाँ मैं बैठी है बेचारी चुपचाप सी, ना इसने किसी ने इससे बात की है, ना किसी ने किस कोई इंटरेक्शन किया। नानी नानी भी बेचारी उठ के उनको पैसे दे रही थी, और इसमें लड़ रहे थे वो, ऐसे टाइम पास कर रहे थे बेसिकली कि मैं 500 मेरे को दे दो, 1000 दे दो, वो सब तो ठीक है। सबा खुश होके कहती है नानी ने ना अम्मा ने मुझे 1000 रुपये दिए हैं, मुझे 1000 रुपये दिए। शर्म नहीं आई तुम्हें अम्मा से 1000 रुपये लेते हुए? पहली बात तो या तो तुम्ही ने पकड़ाए होंगे कि हमें दे दो, हम बोल लेंगे, 2 मिनट का कंटेंट बन जाएगा। और या अगर अम्मा कहीं और से मामा वगैरह से लेके आई तो बहुत ही शर्म की बात है कि अम्मा कोई कमा रही है कि इस एज में, वो क्या कर रही है, कहाँ से आ रहा है उनके पैसा? वही तुम लोग दे रहे होंगे तो तुम्हें देना बनता है, लेना नहीं बनता उनसे। और लेना भी बनता है ना तो 50 रुपये ले लो, वो एनफ है। और फिर कहती है हम फ्रेंड्स कल जाके उनके पैसों से कुछ ले लेंगे। तो भैया समझ लो अगला व्लॉग में यही होना है कि फ्रेंड्स हमने अम्मा ने जो 1000 रुपये दिए थे ना, उसमें हमने 15000 रुपये लगा के एक सूट ले लिया, आपने लिया, बताना कैसा लगा, अच्छा लगा? और फिर हमने 500 रुपये का सूट बेटी खाला के लिए भी ले लिया है। तो ये कर रहे हैं ये लोग, अपना ब्लॉग पूरा काट लिया इसने, लेकिन इसने बेटी खाला के लिए ना घर में कोई काम किया, और ये फंक्शन पूरा स्पॉन्सर करा सकती थी चाहती तो बड़े स्केल पे, क्योंकि अगर इसने ब्लॉग बना दिया ना अभी तो 1.5 लाख रुपए इसके इसमें आ गए, और ये ढंग से फंक्शन कराती ना तो भी मतलब इसके इतने पैसे मौदा के हिसाब से नहीं खर्च होते, जहाँ पे 30-40 लोगों को बुला लेती। और बनाना तो इन्होंने बिरयानी है भैया, चाहे कोई कोई मर रहा हो तो बिरयानी बनती है इनके यहाँ, चाहे कोई बर्थडे हो तो बिरयानी बनती है, रेस्टोरेंट में जाए तो बिरयानी खाते हैं, लोग घर में गए तो बिरयानी खाते हैं, कोई सेलिब्रेशन रिंगिंग हो तो बिरयानी खाते हैं, बिरयानी से बढ़कर तो ये गई नहीं ऊपर। या फिर एक उनके एल्यूमिनियम के पतीले में बनता है नॉन वेज, हाथ में रोटियां पकड़ के खाते हैं। तो अब ये लास्ट सीन पे कहती है फ्रेंड्स सब लोग चले गए, ये है वो है, कितना अच्छा लग रहा है, और हम सब लोग यहीं पे हैं ना, इसलिए हम यहीं रुक गए हैं रात को। तो मतलब ये रात को भी घर नहीं गई, सब लोग यहाँ पे हैं, ये आधे लोग सारे टाइम इसके साथ मुंबई में होते हैं, रोज दिन में से 4 बार देखती है, लेकिन ये ससुराल में नहीं टिकती है। चलिए गाइस, तो ये अब रुक जाइए, अभी अब जाना मत, मैं कुछ पॉइंट्स बताती हूँ जो मुझे बहुत अनोइंग लगे थे, जो मैं कल कवर करना चाहती थी। वो ये था कि पहले तो इसके इनके अकीगा में बेटी खाला के कोई भी रिलेटिव्स नहीं आए, बेटी खाला की साइड के यानी खालू की साइड के, क्या उनके कोई रिलेटिव नहीं है? हैं। और ये बुआ जी आई थी, बस बुआ को कहते कि बुआ कहते टिकट कर दो हम आ जाएंगे। हाँ टिकट कर देंगे। साले कहते नहीं टिकट कैसे हो पाएगी, बुआ वगैरह कोई नहीं दिखते इनके, कि कोई तो आ जाए अम्मा से मिलने आ जाए, कोई नहीं आया, ना कोई टेंट लगाया, ना कोई बाजा बजा, ना मौलवी आया, ना नाजा खाला को बुलाया, ना भाई भाभी आया। भैया अकीका इतना बड़ा चीज है, भाई भाभी क्यों नहीं आए तुम्हारे अकीका में? और रूहान का अकीका क्यों नहीं किया? बच्चों का करते हैं, चलो इनके यहाँ तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी, तो रूहान के में तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं चल रही, लाखों करोड़ों कमा रहे हो तुम तीनों जने, तो रूहान का अकीका क्यों नहीं किया? वो तो 1.5 साल का होने वाला है अभी, तो वो उसका एक्सप्लेनेशन कौन देगा? जब अकीका करने भाग भाग के मौदा आए हो अपने घर में, जो बच्चा है उसका अकीका कर लो, ऊपर से जो इन्होंने इतना बड़ा घर बनाया है वो किसके लिए बनाया, मुझे समझ नहीं आ रहा। 2-3 फ्लोर का जो बनाए जा रहे हैं, खालू रहते हैं वहां पे सऊदी में, मौदा में बेटी खाला रहती है, और आधे से ज्यादा बेटी दिन ना देखना, जैसे ही खालू जाएंगे बेटी खालों को एज अ सर्वेंट वहां बुला लिया जाएगा मुंबई में। बच्चे यहाँ रहते नहीं है और ना ही कभी रहेंगे, जब बड़े हो जाएंगे ना, और भी जब इंडिपेंडेंट हो जाएंगे तो रिजा की सपोज शादी वादी हो जाएगी जहां पे भी जाएगी वो, और रेहान कभी भी मोहदा के उस घर में ना रहने नहीं वाला है, तो उस पर क्यों इतना पैसा लगाया जा रहा है? बल्कि ये पैसे को वो मुंबई के एक छोटा सा फ्लैट ले लेते हैं, कैसा भी कुछ करके मीरा रोड के आसपास ले सकते थे, लेकिन मुझे नहीं समझ आया इन्होंने इतना ज्यादा इस पैसा इस घर में क्यों लगाया, रहने कौन वाला है इस घर में?
और दूसरा ये रिजा रेहान की दादी का फातिया करने तो आगे, अपनी दादी का फातिया तो इन्होंने कभी करा नहीं, अपनी दादी की डेथ कैसे हुई वो तो कभी बताया नहीं, अपनी दादी का 40वां 1 साल वां बरसी कुछ तो करते, तो कभी उसके बारे में तो बात करते, अब उनकी दादी के फातिया करने के लिए तो भाग के मुंबई से आ गए और पूरा रिकॉर्ड रिकॉर्ड कर रहे हैं, पूरा अपना बिरयानियां खा रहे हैं लिपस्टिक लगा लगा के, अपनी दादी जी का कुछ नहीं किया इन्होंने। और रिजा सारे दिन डेकोरेशन करती है, सारे दिन बलून लगा रही होती है, पता नहीं क्या पेंट कर रही होती है, ये बर्थडे ब्रिंगिंग जो होते हैं ना इनके, ब्रिंगिंग से तो मुझे और भी इरिटेशन है, बर्थडेज तो होते ही होते हैं, बर्थडेज पे इतना डेकोरेट कर देंगे, पूरे बलून लगाएंगे 40-50 और पूरे घर में कुछ ना कुछ मतलब कचरा मचा के रखते हैं, और जब इनका कीका है तो नो सेलिब्रेशन, मतलब कोई डेकोरेशन नहीं है, ना बैलून लगाया ना कोई कुछ और तरीके से किया, कपड़े बदलने में भी इनको आलस आ गए, कपड़े भी नहीं बदले इन्होंने, तो वो क्या था, ये अकीका था या टाइम पास कर रहे थे, अकीका के नाम पे बस ये था कि फ्रेंड्स हमें ना सिर्फ वे अपने सास ससुर को बुला के खाना खिलाना था, तो हमने सोचा एक नाम ही दे देते, करा क्या अकीका में कुछ तो हमें समझ ही नहीं आया। और दूसरा अम्मी, अम्मी इनके घर आ गई है अकीका के नाम पे, मोहदा घूमने आ गई है, जब ये लोग हज पे जा रहे थे या हज से वापस आए थे तब तो नहीं आई अम्मी, अम्मी जब से शादी हुई ना सिर्फ 2 ही बार आई है, एक तो इसकी एनिवर्सरी पे आई थी भाग भाग के सजने धजने खाने पीने, वो भी रिजा जबरदस्ती लाई थी क्योंकि भाई भाभी ने तो मना कर दिया था, भाई तुम कौन हम कौन चलो निकलो, और पिताजी बीमार थे तो इसको चाहिए था कोई तो आ जाए, तो अम्मी को ले आई भर के, और अब ये घूमने फिरने ले आई कि अम्मी बोर हो रही थी बहुत दिनों से घूमी नहीं थी, फ्रेंड्स हमने सोचा हम कहीं घुमा लाते, फिर और कहाँ जाएंगे, हमारी घूमने की जगह तो मोहदा ही है, तो ये सब करती है। और किसी ने लिखा था वो मैं कल कवर करती हूँ, और मतलब जो भी है ये रिजा के ऊपर जो कमेंट्स चल रहे हैं आजकल, अगर आप देखो इसको कमेंट सेक्शन तो आपको पता चलेगा कि पब्लिक को क्या होता है ना, पब्लिक को पता तो चल रहा है ये सब हरकतें करती है, बहुत चालू है, बहुत शातिर है, ये इनोसेंट नहीं है और सबको दबा के रखा हुआ है इसने, तो तभी भी देख रहे हैं, तो दो चीज़ें होती ना, आइदर यू लव इट और हेट इट, तो जो बहुत लोग हैं जो जिन्हें अंधा प्यार है इससे वो प्यार में देख रहे हैं, और कई लोग बहुत चिड़के देख रहे हैं कि करती है ऐसी हरकतें, लेकिन फायदा तो इसको हो रहा है ना, वो वाली बात है कि वो लव मी और हेट मी बट यू कांट इग्नोर मी, वो वाला चल रहा है इसका फेज, तो देखते हैं अभी कितने दिन चलेगा, बट बहुत ही अनोइंग था अकीका के नाम पे जो उसने फटाक से नेक्स्ट डे ब्लॉग काटा है, कुछ भी नहीं था, आके जमीन पे बैठ के मुझे समझ नहीं आता इनके यहाँ कोई डाइनिंग टेबल या कुछ तरीका नहीं है कि आएंगे बैठ के सारे लोग जमीन पे बैठ जाएंगे, हाथ में रोटियां पकड़ लेंगे और मीट से तेलम तेल मीट से लगा लगा के खाते रहेंगे, और या तो एक बिरयानी होगी बोल में, बस ये इनका सेलिब्रेशन होते हैं, हर सेलिब्रेशन में यही होता है, और ये अपनी बत्ती सी दिखाती रहेगी और नए नए कपड़े पहन के घूमती रहेगी। तो चलिए अभी एक दिन और बचा है, अभी यहीं से उठेगी, फ्रेंड्स हम बेटी खाला के घर उठ गए हैं, रिजा मेरे लिए चाय लिया, बिस्किट लिया, पंखा चला दे, रिजा मेरे को चद्दर दे दे, और फ्रेंड्स अभी अब जुम्मा नहीं है तो हम नहाएंगे वहीं जाकर, फ्रेंड्स अपने मुंबई जाके, और सनी ने, हाँ किसी ने ये लिख रखा था, सनी ने वो जो रीबॉक की ब्लैक टी शर्ट पहनी थी जिसमें पूरा ट्रैवल करके आया, एक दिन पहले पहन के घूम रहा था, इसी में जिम गया था, इसी में पहना, इसी में सोया, इसी में उठा, और इसी में ये उसने पूरा ट्रैवल किया, शाम तक घूमता रहा, तो इतना तो ये हाइजीन वाले हैं, तो रेस्टोरेंट देखते हैं इनका क्या ही चलेगा। तो चले गाइज, इनके कमेंट्स मैं लगा नहीं रही क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आए जो मैंने स्क्रीनशॉट्स लिए थे, बट अभी आप लोग खुद ही जाके पढ़ लेना देखना। चले बने रहिए एंड हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।